तो जब रावण को मार दिया था और पुष्पक विमान लेके जब जाएंगे, चलते फिरते राम मिलेंगे, हर घर में प्रभु आएंगे, अवध धाम की धरती है, राम यहाँ चल आएंगे। हर एक वाक्य घटना को एक कलाकृति के अनुसार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। तो ठंड बहुत है और इस ठंड से बचने के लिए आप मेरे देखेंगे ये पीछे में इस तरीके का और लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि तो ये जो पथ है ये काफी ज्यादा सुंदर है। आज 19 तारीख है और मैं हूँ इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। आप जो मेरे पीछे ये ट्रेन देख रहे हैं, ये ट्रेन का नाम है हमसफर एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से खुल के ये गोरखपुर तक जाती है और बीच में ये लखनऊ होते हुए गोंडा होते हुए ये गोरखपुर तक जाएगी। तो मैंने अपना टिकट करवाया है आनंद विहार से गोंडा तक के लिए। आइधर मैं लखनऊ पर उतर जाऊँगा और आइधर मैं वहाँ से गोंडा तक जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से मैं बस लेके मैं जाऊंगा अयोध्या, जहाँ पे आप सबको पता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। सो दर्शन तो अभी नहीं करने देंगे, लेकिन वहाँ पे जो व्यू है, वहाँ पे जो वाइब्स अभी होगा वो और मैं अयोध्या पहुंच गया हूं। ये हाईवे है जहां पे मुझे बस ने मुझे उतारी है और आप अक्सर पिक्चर में देखते होंगे कि एक छोटे छोटे सन जैसे जो लाइटिंग है वो, तो लाइटिंग मेरे पीछे ही है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे ये लाइटिंग, यहीं से ये गेट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक चौक बन रहा है जिसका नाम है धर्मा चौक। तो ये जो पथ है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। और दिन में शायद ये लाइटिंग नहीं होगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी जो ये नज़र आ रहा है ना, ऑसम है, ऑसम। मैं अभी धर्म पथ पे चल रहा हूँ और ये रास्ते में पीछे से आप पेड़ के ऊपर देखेंगे तो बहुत अच्छा लाइटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ की आकृति, हर जगह पे आपको जय श्री राम लिखा हुआ नज़र आएगा, आपको रामायण की हर एक वाक्य घटना को एक कलाकृति के अनुसार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। और ये पूरा जो अयोध्या है सज के तैयार है, क्योंकि रामलला 500 वर्षों बाद आए हैं। हम सब खुश नसीब हैं कि हम ये चीज़ को देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की पूरी यात्रा राम मंदिर को बनवाने में निकल गया,
और शायद कुछ लोग हम में से वो आज हैं भी नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे हर जगह ना आपको राम की धुन आपको सुनाई देगी। आप गौर से देखिएगा, आपको राम की धुन आपको सुनाई दे रही होगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हम आज अयोध्या में, जब आप आएंगे ना तो ठंड बहुत है और इस ठंड से बचने के लिए आप मेरे देखेंगे ये पीछे में इस तरीके का लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि उनको ठंड से थोड़ा राहत मिले, तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब चलते हैं आगे। और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आप जमीन के ऊपर आप लाइट भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे देखिए किस तरीके से ये लाइट यहाँ पे जल रही है और इसका जो कनेक्शन है ऊपर आपको पोल में दिखाई दे रहा होगा, तो उस पोल से इस तरीके का भी आकृति बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं ना, दुकान के जब सबका गिरा हुआ होता है तो बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है, जैसे कि जय श्री राम, हनुमान जी का, राम जी का, सीता जी का, इन सब की कलाकृति बनी हुई है। और कुछ कुछ नाट्य रूपांतरण भी पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि रामायण में क्या हुआ था, राइट। तो ये छोटे छोटे शब्द को मिल के एक कहानी का स्वरूप देती है। उसके अलावा इस तरीके का मंडप भी बना हुआ होता है, जहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अगर आप रात में नहीं आते तो ये मंदिर का अद्भुत नज़ारा आप नहीं देख पाएंगे रियली। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर। ये अयोध्या पूरा रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए पूरी तरह से सज चुका है। अब तो जो संतगण है, जो श्रद्धालु है, वो लोग भी भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं और इसी क्रम में मैं भी आया हूँ अयोध्या घूमने के लिए। अभी से मैं 3 दिनों तक इस अयोध्या में रहूँगा और यहाँ जितना सुंदर मनमोहक दृश्य मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। सो अभी फिलहाल मैं हूँ रामपथ से निकल के, मैं हनुमानगढ़ी के रास्ते में जा रहा हूँ और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो दुकान के बाहर बहुत सारे जय श्री राम, हनुमान जी, ये सब की कलाकृति बनी हुई है। उसके अलावा आप हर जगह पे गाने बजाने ये सब सारे चीज़ सुन सकते हैं। और पीछे पीछे जय श्री राम। गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लता मंगेशकर, पता नहीं इसका नाम मेरे को नहीं पता है। और यहाँ पे आप पीछे आपको बहुत सारे कैमरा मैन मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर शूट करने के लिए आ रहे हैं।
सो ये देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे नीचांग वाले इसको कवर कर रहे हैं, और उसके ठीक पीछे ये हमारा संतूर बना हुआ इस तरीके से बाधक है, और उसके पीछे ही वो धर्म पथ है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, चलिए चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे घूमने के लिए, तो घूमने के लिए यहाँ पे नया घाट है, सरयू नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ पे रात में आरती होती है, और उससे जस्ट निकलेंगे और चौराहे पे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक संतूर रखा हुआ मिलेगा, और उसके ठीक पीछे है धर्मपथ है, जिसमें वहाँ पे लाइटिंग जो गोल जैसा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसी के बगल में रात में लाइट शो होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और ये जो मेरा रास्ता जो पीछे ये सीधे देख रहे हैं, ये सीधा हनुमान गढ़ी की तरफ चला जाएगा और श्री राम जन्मभूमि की तरफ चला जाएगा, राइट। तो इतना कुछ है घूमने के लिए, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन घूमने से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग उत्साहित है इस राम जो टेम्पल बन रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित है, और बहुत दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसको दर्शन करने के लिए। वैसे तो अभी 3 दिन तक दर्शन बंद रहेगा, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हनुमानगढ़ ये पूजा कर रहे हैं, और लोगों में जो खुशी है ना वो दिखने को बन रही है। तो आपको रास्ते में चलते वक्त आपको ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, ऑटो, ये सारी कुछ मिल जाएगी ताकि आप वहाँ से आप जा सकें। तो सुविधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो पैदल भी चल सकते हैं, और बाइक पे भी आपको इस तरीके का प्रचार मिल जाएगा। और एक प्रसंग बताइए, तो जब रावण को मार दिया था और पुष्पक विमान लेके जब पंचवटी में सीता मैया की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ से मेरा हरण हो गया, तो जहाँ हमारा काले राम जी का मंदिर है वही पुष्पक विमान वापिस उतारा, और हनुमान जी महाराज कह रहे थे कि अंजनेरी वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा जन्मस्थली है, आप चलिए। तो राम जी ने कहा कि भरत, अगर मैं शाम में अयोध्या नहीं पहुँचा तो भरत जी का अग्नि प्रवेश हो जाएगा, तो देरी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी अयोध्या मुझे प्रिय है उतना नासिक पंचवटी भी मुझे प्रिय है, और वहीं पे हमारे काले राम जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ, तो नासिक और अयोध्या, तो गोदावरी से सरयू तक मोदी कहाँ आए, नासिक आए, गोदावरी का पूजन किया, हमारे काले राम जी का पूजन किया, और गोदावरी से सरयू तक ये जाने मंदिर में जाने का रास्ता यही है, और कल तक ये खुला हुआ था लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है, तो पुराना वाला मंदिर भी यहीं पे है, और नए वाला जो निर्माण हो रहा है वो भी इसी रास्ते से आप आगे में जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन अभी ये बंद है, तो अभी किसी को अलाउ नहीं है, सिर्फ जो वर्कर है उनको अलाउ है, जिनको पास दिया गया है सिर्फ वही जा सकते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आम लोगों के लिए ये अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। शायद 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें जितने लोगों को VIP पास मिलेगा उतने ही लोग शायद अंदर जा पाएंगे, बाकियों के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यही है कुछ यहाँ पे, अभी मैं कुछ और भी सीन दिखाता हूँ यहाँ का कि कैसा है यहाँ का माहौल, और बने रहिए मेरे साथ, और जय श्री राम।